एहसास को भिंगोकर स्याही किए हुए बुद्धत सी हो गई है कोई खत लिखे हुए। यादों की तितलियां सी आती हैं ख्वाब में, कुछ शब्द अनमने से रूठे पड़े हुए। नमस्कार, मैं विजयानंद विजय आप सभी को हिंदी दिवस की बधाई व शुभकामनाएं। जन सरोकार मंच के इस पत्र वाचन आयोजन में सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि हम जानते हैं, मोबाइल, गूगल और इंटरनेट के इस युग में आज खतों और चिट्ठियों का वजूद संकट में है। टेक्नोलॉजी ने अपने मोह पास में हमें इस तरह बांध लिया है कि हम अपनी बातें, अपनी भावनाएं और संवेदनाएं भी अब मोबाइल के कीपैड के जरिए मशीनी और त्वरित रूप से व्यक्त करने लगे हैं। मगर टाइप किए हुए उन शब्दों में एहसासों की वो गर्मी कहाँ, जो हाथ से लिखे शब्दों के जरिए सीधे हमारे रूह में उतर जाया करती थी। चिट्ठी लिखने के बाद जवाब के इंतजार का एहसास भी अब फना है। भावनाओं की कलम से, अनुभूतियों के कागज पर प्रेम और अपनत्व के भाव अब कहाँ व्यक्त हो पाते हैं? शायद आने वाली पीढ़ियाँ ये जान ही ना पाएं कि पोस्टकार्ड और अंतर्देशीय पत्र क्या होता है। पार्टी की इस विलुप्त होती परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए आदरणीय डॉक्टर सूरज सिंह नेगी जी और डॉक्टर मीना सिरोला ने जो पाती अपनों की मुहिम की शुरुआत की है, उसने लोगों को, खासकर छात्रों को, एक बार फिर पत्र लेखन की ओर मोड़ा है। पाती लेखन की इसी कड़ी में मैं फरवरी जून 2019 में जन सरोकार मंच टोंक राजस्थान के सौजन्य से आयोजित शिष्य की पाती गुरु के नाम राष्ट्रीय प्रतियोगिता से जुड़ा। आज मैं उसी पत्र का वाचन कर रहा हूँ। मेरा यह पत्र समर्पित है मेरे उन गुरुजनों को जिनसे मैंने जीवन में सीखा है, और मेरे उन प्रिय शिष्यों शिवशंकर, विश्वजीत, जितेंद्र, सुरेंद्र, गजेंद्र, दिलीप, संजय वो अन्य तमाम छात्रों को जो राज्य व देश में उच्च प्रशासनिक, न्यायिक व शैक्षणिक पदों पर विराजमान होकर मेरा मान बढ़ा रहे हैं। पत्र है, उसका वाचन मैं कर रहा हूँ। परम श्रद्धेय गुरुदेव, सादर चरण स्पर्श, आज पहली बार मैं आपको पत्र लिख रहा हूँ। गुरुदेव, कहने को बहुत कुछ है मन में, पर शायद आमने सामने होकर बोलने से मेरी जुबान लड़खड़ा जाए, इसीलिए कागज कलम के सहारे आज मैं मन के सारे आदर भाव, उद्गार अभिव्यक्त करने को उद्यत हूँ। कैसे भूल सकता हूँ गुरुदेव उन यादों को जो आपसे सदा सर्वदा जुड़ी रही हैं। आपके शब्द, आपकी वाणी, आपकी शैली, आपकी मुस्कुराहट, आपका प्यार, आपका गुस्सा, आपकी दी गई शिक्षा, आपके उस आदर्श, सब कुछ तो आपका ही अंगीकार किया है मैंने। और आज करीब 25 वर्षों बाद जब मैंने आपको समाहरणालय गेट से अंदर आते देखा, तो सहसा आँखों पर मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मेरे पांव ठिठक गए, अपलक मैं आपको ही देखता रह गया।
कि कहीं मैं भ्रम में तो नहीं हूं, लेकिन मेरे परम विश्वास ने मुझे आश्वस्त किया। आप जब पास आए और जब मैंने श्रद्धावनत हो पूरे विश्वास से आपका नाम लेकर आपके चरण स्पर्श किए तो आप चौंक गए थे सर, और आपने कहा था इस नए अनजाने शहर में कोई मेरा नाम कैसे जान सकता है, मैंने पहचाना नहीं तुम्हें। फिर जब मैंने अपना नाम, स्कूल का नाम और मैट्रिक पास करने का वर्ष बताया तो आपने मेरे कंधे पकड़कर उठाया और कसकर अपने सीने से लगा लिया था। मेरी आंखों से तो झरझर आंसू बह ही रहे थे सर, मैंने देखा था आपकी आंखों के कोर भी गीले थे जिन्हें आप अपने चश्मे से छुपाने की असफल कोशिश कर रहे थे। फिर जब आपने पूछा था कि इतने वर्षों बाद तुमने मुझे कैसे पहचान लिया बेटा, मैं तो तुम्हें नहीं पहचान पाता, वो 10वीं क्लास का बच्चा, और तो आपकी आंखें डबडबाई हुई थीं और गला भर आया था। और तब मैंने जवाब दिया था, सर आपका बॉडी लैंग्वेज, आपके हाव भाव, आपका चेहरा, सब कुछ बरसों से मेरी आंखों में था, मुझे आपको पहचानने में जरा भी भूल नहीं हुई सर। असीम नैसर्गिक भावनाओं से भीगे वे पल बार बार मेरी आंखों के सामने से गुजर रहे हैं, और उम्मीद है सर कि आप भी मुझे जरूर याद कर रहे होंगे। गुरु शिष्य का यही पावन प्रेम है जिसकी बुनियाद पर आज यह सारा समाज, यह राष्ट्र टिका हुआ है। मैं अंग्रेजी में कमजोर था, इसीलिए क्लास में जब भी आप टास्क देते थे तो अक्सर मैं लिख नहीं पाता था या गलत लिखता था और आपको दिखाने से डरता था। आपने कोने में मुझे बैठा देख भांप लिया था। एक दिन आप पास आकर मेरी कॉपी उलट पुलट कर देखने लगे और मेरी पीठ ठोंकते हुए कहा था, अरे तुम्हारी हैंडराइटिंग तो बहुत सुंदर है, क्लास में सबसे अच्छी है, तुम मेहनत करोगे तो बहुत अच्छा करोगे। आपके उन प्रोत्साहन भरे शब्दों का जादू था कि उसके बाद मैं अंग्रेजी में मन लगाने लगा। ग्रामर की कमियां आप बताते और सुधरवाते, मैं ट्रांसलेशन बना बनाकर आपको दिखाता, आप स्टाफ रूम में बैठे होते तब भी आप मुस्कुराकर मेरी कॉपी चेक करते, मेरे पीठ पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते कि खूब पढ़ो। आप मुझ पर गुस्सा भी नहीं होते थे सर, मेरे बार बार तंग करने पर भी कभी चिढ़ते नहीं थे। यह आपका मार्गदर्शन ही था गुरुदेव कि जिस विषय में मैं अक्सर फेल हो जाया करता था, धीरे धीरे उसमें मेरे अच्छे अंक आने लगे और मेरा मन भी लगने लगा। आपके आशीर्वाद से मैंने उसी विषय में स्नातकोत्तर किया, फिर मैं उसी विषय का शिक्षक भी बन गया। आपने मुझे सिखाया कि प्रेम स्नेह में वह ताकत होती है जो असंभव को भी संभव बना देती है, वरना मुझ जैसा अंग्रेजी में निहायत ही कमजोर छात्र कभी अंग्रेजी का प्राध्यापक कैसे बन सकता था। मुझे याद है सर, आप अक्सर कहा करते थे कि जीवन में कभी किसी का बुरा मत करना। तुम अगर किसी का बुरा नहीं करोगे तो ऊपर वाला भी
कभी तुम्हारे साथ बुरा नहीं करेगा। जीवन के जिस क्षेत्र में भी जाओ, अपनी नीयत हमेशा साफ रखना, हमेशा अच्छाई और नेक नियति की राह पर चलना, कभी कोई गलत काम नहीं करना। तुम्हारा चरित्र ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी शक्ति बनेगा और तुम्हें जीवन के सर्वोच्च शिखर पर ले जाएगा। आपकी सादगी, आपकी सरलता, आपकी शालीनता, मीठी वाणी और निश्चल व्यवहार के हम सभी छात्र कायल थे और उन दिनों सोचा करते थे कि हम भी आप जैसे ही बनेंगे। आप हम कई छात्रों के आदर्श बन गए थे सर। कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व की छाप मेरे ऊपर भी पड़ी है, तभी तो 25 वर्ष बाद भी जब मैंने आपको देखा तो मुझे आपको पहचानने में एक क्षण की भी देर नहीं लगी और मेरे कदम सहसा ठिठक गए थे। कहते हैं कि व्यक्तित्व के निर्माण में माता पिता का हाथ होता है, मगर मुझे यह कहने में जरा भी संकोच नहीं है सर, बल्कि मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मेरे व्यक्तित्व का निर्माण आपने किया है। भले ही आप मुझसे दूर रहे, मगर आपकी छाप, आपकी छाया और आपका आशीर्वाद मुझे हमेशा अप्रत्यक्ष रूप से मिलता रहा। मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी आपको सुनाना चाहता था, मगर आपका पता मेरे पास नहीं था। शुक्र है भगवान का कि उसने मेरे दिल की पुकार सुन ली और मुझे मेरे भगवान से मिलवा दिया। जब मैंने आपको बताया कि मेरा सिलेक्शन जज के पद पर हो गया है, तो आपकी आंखों में छलक आई खुशी को मैंने अपनी आंखों से महसूस किया था। माँ पिता ने तो जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, मगर जीवन की सच्ची राह पर चलने का सबक और तरीका आपने सिखाया सर। अनुशासन, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, समय की महत्ता का जो पाठ आपने पढ़ाया है, वह मेरे जीवन का ध्येय और उद्देश्य बन गया है। लेकिन आपके कथनानुसार एक अच्छा इंसान बनने में मैं कहाँ तक सफल हो पाया हूँ, इसका आकलन और मूल्यांकन करने की मुझ में योग्यता नहीं है। अंत में आपसे एक करबद्ध प्रार्थना है कि मेरे घर आकर मेरी पत्नी, बच्चों को अपना आशीर्वाद जरूर दें सर। जब से मैंने उन्हें आपके बारे में बताया है, वे आपसे मिलने को लालायित हैं। मेरे माता पिता भी मेरे भगवान से मिलने के लिए आंखें बिछाए हुए हैं। सादर चरण स्पर्श करते हुए आपका छात्र, यह है शिष्य की पाती गुरु के नाम, जो मैंने पाती लेखन प्रतियोगिता में भेजी थी और इसे द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कैसा लगा, कैसी प्रस्तुति रही, ये आप बताएंगे, कमेंट करेंगे। आज हिंदी दिवस भी है, राष्ट्रभाषा
हिंदी है, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ अंग्रेजी शिक्षा का महत्व कुछ ज़्यादा ही है। अंग्रेजी शिक्षा भी ज़रूरी है, अंग्रेजी पढ़ना भी ज़रूरी है, अंग्रेजी का ज्ञान भी ज़रूरी है, लेकिन हिंदी का अपना महत्व है। हिंदी हमें पढ़नी चाहिए और हिंदी का महत्व हमें समझना चाहिए। हर छात्र को, हर माता पिता को, बल्कि हर नागरिक को ये समझना चाहिए कि हमारी मूल जो भाषा है वो हिंदी है। बाकी क्षेत्रीय भाषाएं भी अपनी जगह पर हैं, लेकिन जो भी काम होते हैं वो हिंदी में होते हैं। तो हिंदी शुद्ध लिखें, शुद्ध बोलें और पढ़ें। हिंदी दिवस पर मैं सबको शुभकामना व्यक्त करते हुए एक कविता पढ़ना चाहता हूँ, जो आज ही प्रकाशित हुई है, नवीन कदम समाचार पत्र समूह द्वारा प्रकाशित। आरुषि एक मासिक पत्रिका है, उसमें हिंदी, हिंदी हमारी अस्मिता, हमारी पहचान, राष्ट्र के माथे की बिंदी, देश का श्रृंगार, संस्कृति का उपहार, सभ्यता का आधार। हिंदी हमारी अस्मिता, हमारी पहचान, राष्ट्र के माथे की बिंदी, देश का श्रृंगार, संस्कृति का उपहार, सभ्यता का आधार, भारतीयता की नींव और राष्ट्रीयता की छांव, अपनत्व की सोंधी सी महक, अपनत्व की सोंधी सी महक, स्नेह सौहार्द का वैश्विक फलक, अपनत्व की सोंधी सी महक, स्नेह सौहार्द का वैश्विक फलक, घर आंगन की फुलवारी, घर आंगन की फुलवारी, खेतों की मनोहारी हरियाली, घर आंगन की फुलवारी, खेतों की मनोहारी हरियाली, वाणी की मधुमय मिठास, चेहरों पर खिला स्मित हास्य, माँ की ममता मई गोद, बाबूजी की आंख भरी पुलक, झरनों का जीवन संगीत, नदियों का अविरल प्रेम गीत। माँ की ममता मई गोद, बाबूजी की आंख भरी पुलक, झरनों का जीवन संगीत, नदियों का अविरल प्रेम गीत, विहगों का नीरव कलरव, भंवरों का आकुल गुंजन, कलियों की खिलती मुस्कान, अधरों से फूटता मधुर गान, ईद और दिवाली का संग साथ, जीवन में घुलता हास परिहास। ईद और दिवाली का संग साथ, जीवन में घुलता हास परिहास, कोहबर में उकेरे गए शब्द, कोहबर में उकेरे गए शब्द, स्त्रियों का मंगल गीत, इंद्रधनुषी रंगों से रंगी जीवन फुलवारी, शिशुओं की मनमोहक किलकारी, इंद्रधनुषी रंगों से रंगी जीवन फुलवारी, शिशुओं की मनमोहक किलकारी, मंद मंद समीर में बजती मुरली की तान, सृष्टि के कण कण में बसा जीवन संगीत। इंद्रधनुषी रंगों से रंगी जीवन फुलवारी, शिशुओं की मनमोहक किलकारी, मंद मंद समीर में बजती मुरली की तान, सृष्टि के कण कण में बसा जीवन संगीत। सारे निशब्द
शब्द हिंदी, सारे निशब्द शब्द हिंदी, संवेद हिंदी, संवेग हिंदी, भाव हिंदी, प्राण हिंदी। जय हिंदी। धन्यवाद।